बहुत बहुत अच्छे होंगे। हालेलुया, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं आप लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और आपके रिएक्शंस जो मैं महसूस करता हूं और जो मैं पढ़ता हूं, उससे मैं बहुत उत्साहित होता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे भाई मेरी बहन जो इस वचनों को देखते समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, वाकई हम परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो वचन है, ये जो प्रचार है जो परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, इसके द्वारा हम और मजबूत बढ़ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम मजबूत बने और हर रोज़ एक कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि आने वाला है प्रभु बहुत जल्द। बादलों में सवार होकर वो आने वाला है और हम सबको लेके जाने वाला है। इसलिए हमें उत्साहित और आशा सहित परमेश्वर की राह जोटनी है और परमेश्वर की राह को हम बढ़ते रहें। हालेलुया, तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे आपने टाइटल देखा होगा कि 6 बातें हैं जो मसीह में हमें मजबूत करती हैं। हम मजबूत नहीं हैं, हम बहुत दीन हैं, हम शून्य हैं, हमें मजबूत होना है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि तुम रोज मजबूत हो, मैं तुम्हें रोज दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें रोज मजबूत करूंगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें रोज मजबूत होने के लिए उत्साहित होकर परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने जीवन को बिताना है। तब हम रोज मजबूत होते जाएंगे, रोज दृढ़ होते जाएंगे और परमेश्वर के करीब हो जाएंगे। जैसे यिर्मयाह 29:13 कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। यही बात है कि अब हम संपूर्ण हृदय से उस परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब हम संपूर्ण हृदय से उस परमपिता परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं, जब हम संपूर्ण हृदय से यीशु की अच्छाइयों को, यीशु के प्यार को जानने की कोशिश करते हैं, जब हम संपूर्ण हृदय से उस पिता परमेश्वर के प्रेम को पहचानने और जानने की कोशिश करते हैं, उसमें बसने की कोशिश करते हैं, उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं, तो वाकई मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारा जीवन जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो धन्य है। धन्य है कि हमने यीशु को पाया, धन्य है कि हमने उसकी सहभागिता को पाया, धन्य है कि उसने हम पर कृपा की, धन्य है कि उसने हमें उठाया, दलदल की कीचड़ से उठाया और चट्टान पर बिठा दिया, और स्थिर करने के लिए, स्थिर करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, उसका बच्चा बनकर इस धरती पर रहने के लिए हमें परमेश्वर ने चुना। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, ये बहुत अमूल्य अमूल्य सीजन है, ये अमूल्य परमेश्वर का दर्शन है, उसका वचन है, उसका अभिषेक है, उसकी कृपा है कि हम उसके वचनों को समझ पा रहे हैं। और जिस तरीके से आप इंतजार करते हैं उसके वचनों को सुनने की, समझने की, उस पर चलने की, ये काबिल तारीफ है। हालेलुया, तो हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। वचन पे जाने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थी नाम के लिए, आपका नाम अद्भुत है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं अपने भाई बहनों के समक्ष आया हूँ परमेश्वर। ये आपकी इच्छा है, ये परमेश्वर आपकी योजना है, जो आपने वचन मुझे दिए हैं परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन में काम करें, उस सत्य को जाने, उस मार्ग को पहचाने, उस ज्योति के अंतर्गत अपने जीवन को बिताए जो परमेश्वर आप दे चुके हैं। यस लॉर्ड, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, कृपा मांगता हूँ, तेरा अनुग्रह मांगता हूँ, उस अनुग्रह में स्थिरता को मांगता हूँ परमेश्वर, तेरी बरकत के आशीष को मांगता हूँ परमेश्वर। हर भाई हर बहन अद्भुत आशीष पाए, उनकी कमी घटी को पूरा करिए परमेश्वर, बीमारी इनके पास ना आए, कोरोना वायरस इनके पास ना आए परमेश्वर। मैं अपने हर भाई बहन को यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी लहू की सुरक्षा का बाड़ा बांधता हूँ, उस कवच के अंदर डालता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ, क्योंकि प्रार्थनाओं को आप सुनकर पूरा करने वाले पिता हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए जो आपने दिया है, मैं अच्छी तरीके से बांट सकूं पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में, और लोगों को आशीष मिले, लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद, प्रार्थना अपने सोने को भूल के आमेन 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 आमेन, धन्यवाद, बोलिए आमेन। हालेलुया, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, मैं सच कह रहा हूँ, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु आपकी बहुत चिंता करता है। आप विश्वास करिए, जितना प्यार आप खुद से नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उतना परमेश्वर आपकी सुधि लेना चाहता है, उतनी चिंता परमेश्वर को आपकी है। हालेलुया, आज हम इस वचन को जरा बारीकी से देखेंगे, जो यूहन्ना 15:16 है। आप सब जानते हैं उस वचन को कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है,
और चुनकर नियुक्त किया है। क्या किया है? नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। हम आगे के वचन को बाद में देखेंगे, हम यहीं तक इस वचन को पढ़ते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर नियुक्त किया है। यानी कि परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने हमें अपॉइंट किया है। किस लिए अपॉइंट किया है? अपना बच्चा बनाने के लिए, अपना पुत्र बनाने के लिए, अपना गवाह बनाने के लिए, अपना दास बनाने के लिए, हमारे द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े, हमारे द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। लेकिन यहाँ पर जब उसने हमें नियुक्त किया है, उसके बाद उसने हमें 6 बातें बाइबल में बताई हैं कि इन 6 बातों को हमें स्वीकार करना है और इन 6 बातों को हमें अंगीकार करते हुए इन 6 बातों को अपने जीवन में बसाना है, इन 6 बातों को अपने जीवन में लेना है ताकि हम मजबूत होते जाएं। उसका मकसद एक ही है कि वो हमारे द्वारा दुनिया के सामने प्रकट हो। उसका मकसद एक ही है, इसलिए उसने चुना है ताकि हमारे द्वारा दुनिया जाने की परमेश्वर कौन है। ये बहुत ही खुशी की बात है और मैं बहुत उत्साहित हूं ये बताते हुए कि आज भी जैसा परमेश्वर पहले था वैसा ही कल है, वैसा ही आगे भी होगा। हालेलुया, आज भी है, ये कल था, आज है और कल होगा। और इसका मिसाल अगर आप देखेंगे न्यूज़ सुनते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो एक बहुत ही अच्छी खबर जो आपको उत्साहित करेगी और बताएगी कि हमारा परमेश्वर जीवता है और वो सिंहासन पर इस समय विराजमान है और वो नियंत्रण में है। हालेलुया, वो खबर क्या है कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है, त्राही त्राही मची हुई है। प्रेज द लॉर्ड, सब पूरा विश्व कोरोना वायरस के चंगुल में है और सब लोग हताश हैं, सब लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, सब लोगों के हाथ छूट गए हैं कि साहब हम क्या करें, सब कोई उनको हल नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसे में परमेश्वर ने बताया, जो मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ कि इसराइल फकत एक ऐसा देश है जो कोरोना मुक्त है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, मूसा के समय में याद है आपको, जब राम से गिशोन में, जब मिस्र में विपत्ति आई थी, मिस्र में अंधकार था, मिस्र में ओले पड़ रहे थे, मिस्र में टिड्डियां आई थी, लेकिन गिशोन में जहां पर इजरायलीज रहते थे, जहां पर इब्रानीज और रहते थे, वहां पर कुछ भी विपत्ति नहीं आई थी। उसने बताया था फिरौन को, फिरौन जिस प्रजा को मैंने चुना है उसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तेरे सामने तेरे पहलौठे मारे जाएंगे, तेरे लोग मारे जाएंगे, तेरे पशु मारे जाएंगे, तेरे राजकर्मचारी मारे जाएंगे। और वैसा ही हुआ। और आज भी परमेश्वर बताता, जो मेरे बंदे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे चुने हैं, जो मेरे चुना हुआ देश है इसराइल, वो पूरी दुनिया से अलग है। इसलिए ये जो घोषणा, ये जो न्यूज़ मैं सुन रहा हूँ, और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि इसराइल एक ऐसा फकत देश हुआ है जहां कोरोना नहीं है, जो कोरोना मुक्त है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ है, मेरे यहोवा का चुना हुआ है। हालेलुया, विश्वास करिए, मैं धन्यवाद देता हूं। इसलिए इस न्यूज को और इस गवाही को और दुनिया के सामने लेके जाइए और हमारा विश्वास मजबूत हो, हमारी आशा मजबूत हो। हालेलुया, कि हम किस परमेश्वर की पूजा करते हैं, हम किस परमेश्वर के सामने हैं जो जीविता है, जो जीवित है, और वो आज भी वही कर रहा है जो बरसों पहले, 4000 साल पहले उसने किया था, वो आज कर रहा है। हालेलुया, वो सिर्फ अपनों को, जो उसके अपने हैं उनको बचाता है। मेरे भाई, मेरी बहन, कुछ भी मुसीबत आए, कोई भी संकट आए, कुछ भी ऐसा सताव आए, कलेश आए, हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, हमें परमेश्वर के वचनों को नहीं छोड़ना है, हमें परमेश्वर की राह पर चलना नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो जो कल था वो आज है और कल भी होगा। वही परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है, वही परमेश्वर है जिससे अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया और हमें बचाया, हमें छुटकारा दिया, ताकि हम सुख पाएं, ताकि हम आशीष पाएं, ताकि हम कृपा पाएं, ताकि हम अनुग्रह पाएं, ताकि हम उसके प्रेम को जाने और दुनिया में उस प्रेम को बांटें कि मेरा यहोवा, मेरा यीशु महान है, उस जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, तो आज का वचन पे हम जाते हैं। आज का वचन क्या कहता है? कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर तुम्हें नियुक्त किया है। नियुक्त करने के बाद बाइबल में 6 बातें परमेश्वर ने हमें बताई है कि अगर परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया, देखिए जब परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया तो आप कौन थे? आप शून्य हैं, आप कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम नियुक्त हैं। हमें परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया, हमें पापों श्रापों से मुक्त किया, हमें पवित्र बनाया और अपना बना लिया, हमें नियुक्त कर दिया कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे दास हो, तुम मेरे पुत्र हो। हालेलुया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या सामर्थ्य है? है कोई सामर्थ्य? नहीं। ये सामर्थ्य हमें कब मिलेगा? परमेश्वर देगा। बाइबल कहती है जब वो नियुक्त करता है तो 6 बातें आपके साथ करता है, उन 6 बातों में वो आपको दृढ़ करता है।
आपको मजबूत बनाता है, आपको अपने योग्य बनाता है, आपको अलौकिक शक्तियों से भरता है, आपको परमेश्वर के सामर्थ्य से भरता है। विश्वास का वरदान आपके जीवन में रोज बढ़ता जाता है, हालेलुया। और आप रोज ब रोज अपने आप में महसूस करते हैं, अपने अपने सामर्थ्य को, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में बहता हुआ महसूस करते हैं। आप महसूस करते हैं कि यस, परमेश्वर की शांति मेरे अंदर वास कर रही है, परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर वास कर रहा है, परमेश्वर की कृपा मुझ पर है। आप महसूस करते हैं कि यीशु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप रोजमर्रा उस चमत्कारिक जीवन को देखते हैं, जब आप रोजमर्रा उस जीवन को जीते हैं जो परमेश्वर की ओर से है, इस घनघोर विपदा के समय में, आपदा के समय में, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर छुड़ाने वाला मेरे साथ है, वो हमें साथ लेके चल रहा है, वो हमारा हाथ पकड़े हुए है, वो हमें शांति देता है, वो हमें आनंद देता है, वो मसीहा है हमारा, जब हम ये महसूस करते हैं, तब हम धीरे धीरे रोज ब रोज दृढ़ता की ओर बढ़ते जाते हैं। और यही परमेश्वर चाहता है कि जब उसने आपको नियुक्त किया है तो ये 6 बातें आप अपने जीवन में लागू करिए, ताकि आप बढ़ते जाएं, आप मजबूत होते जाएं और आप उसके योग्य हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, भयभीत मत होना, मत डर। नियुक्त होने के बाद पहली बात जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो क्या चाहता है कि मत डर, मत डर। वो कह रहे हैं मत डर, क्यों? क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले जब तू शैतान के चंगुल में था, पहले जब तू मेरा नहीं था, पहले जब तू मौत के आगोश में था, पहले जब तू पाप करता था तो डरता था, क्योंकि तेरा साथ कौन था? धोखे आपका देने वाला, झूठ बोलने वाला। तुझे नहीं पता था कि कल मेरा क्या होगा, कल मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा, मेरी सर्विस का क्या होगा, तुझे नहीं मालूम था। तू डरता था, भयभीत था। लेकिन आज जब मैंने तुझे नियुक्त किया है तो पहली बात जो परमेश्वर बताता है वो कहता है मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। कौन तेरे संग हूं? जिसने तुझे बचाया है, जिसने तुझे जीवन दिया है, जिसने तेरे लिए अपना लहू बहाया है, जिसने तेरे लिए कोड़े खाए हैं, जिसने तेरे लिए अपना स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, मनुष्य के रूप में रहा है, वो तेरे साथ है। इसलिए मत डर, मत डर, क्योंकि उसने तुझे रास्ता दिखाया है, उसने तुझे जीवन दिया है, उसने तुझे सत्य के बारे में बताया है। मत डर, मत डर। अगर तू डरेगा तो शैतान तेरे जीवन में काम करेगा, अगर तू डरेगा तो परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस नहीं कर पाएगा, अगर तू डरेगा तो अगर तू डरेगा तो यीशु के प्रेम को महसूस नहीं कर पाएगा, उसकी करुणा को महसूस नहीं कर पाएगा। और वो चाहता है कि उसकी करुणा तू महसूस करे, उसकी दया तू महसूस करे, उसकी बरकत को तू महसूस करे, उसके प्यार को तू महसूस करे। इसलिए वो कहता है मत डर। तो पहला पॉइंट क्या है कि हमें बिल्कुल नहीं डरना है, चाहे कोई सताव आए, चाहे कोई कलेश हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें डरना नहीं है। हम बीमार भी होते हैं तो हमें डरना नहीं है, हमें कोरोना होता है हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है, वो बचाने वाला है, वो देने वाला है। वो परमेश्वर कब देता है? जब हम पूरी तरीके से भरोसा करते हैं, जब हम कहते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं हूं। वो कहता है मैं हूं। मूसा ने क्या था कि मैं क्या बताऊंगा मछलियों को कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो परमेश्वर ने क्या कहा? मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, यानी कि मेरा नाम क्या है? मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज भी वो कहता है मैं हूं, मैं आज का परमेश्वर हूं, मैं आज का पिता हूं, मैं आज का सर्वशक्तिमान हूं, मैं हूं तेरे साथ। इसलिए मत डर, हमेशा मैं जीवित हूं, मैंने बताया तुझे कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ चलता हूं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुझे बताया है कि मैं हूं। इसलिए पहली बात वो कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। दूसरी बात वो कहता है कि नियुक्त होने के बाद हम दूसरी बात का ध्यान रखें कि इधर उधर मत ताक। पहली बात कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। दूसरी बात, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, इधर उधर ध्यान मत लेके जा, किसी और के पास सहायता के लिए मत जा, किसी और से मत मांग, किसी और के सामने घुटने मत टेक, इधर उधर मत जा, अपनी भावनाओं को इधर उधर मत भटका, क्योंकि शैतान आपकी भावनाओं के द्वारा आपको षड्यंत्र में लाता है, आपको चंगुल में लाता है। जब आप इधर उधर जाते हैं तो परमेश्वर को समझ नहीं पाते हैं, तो आप वो काम करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है, और अगर आप वो काम करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है तो आप परमेश्वर की योजना से दूर हो जाते हैं, आप अपनी नियुक्ति से दूर हो जाते हैं, आप परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं। इब्राहिम के बारे में आपने पढ़ा होगा और आपने सुना होगा। मैं संक्षेप में आपको आज इब्राहिम के बारे में बताएंगे, हम आज ज्यादा वचन नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको कहानी के रूप में बताऊंगा ताकि आप समझ सके, सिर्फ आप समझने की कोशिश करिए। इब्राहिम जिसको परमेश्वर ने चुना था, उर देश से लेकर आया, और परमेश्वर ने क्या वादा किया कि मैं तुझे संतान दूंगा,
और तेरी संतान से तेरा वंश बढ़ेगा और तू राष्ट्रपिता होगा, तू मूल पिता होगा। हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति 12 देखें तो परमेश्वर ने उसको उर देश से लेकर आया, जिस देश से इब्राहिम आया था, अगर आप जानते हैं तो वो जो देश था बहुत प्रॉस्पर देश था। उस समय वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह होते थे। जहाँ से इब्राहिम आया था, इब्राहिम को कोई गरीब नहीं था, बहुत अमीर और अपने प्रॉस्पर घराने का था। लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और वो आ गया। लेकिन उसे परमेश्वर की आवाज़ सुनी, वो आ तो गया लेकिन उसे पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया। अगर हम इब्राहिम के जीवन को देखेंगे तो उसने पूरी तरीके से परमेश्वर की वाचा को समझा नहीं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहली बात यह है कि वो लूत को लेकर आया, जो कि परमेश्वर की योजना के अगेंस्ट था। बाद में उसने लूत को छोड़ना पड़ा। जब आपने देखा होगा कि इन दोनों चरवाहे जब काफ़ी इनके चरवाहों में बात बढ़ गई, लड़ाई झगड़े होने लगे, तो इन दोनों ने छोड़ दिया और लूत ने सदोम अमोरा का रास्ता लिया और इब्राहिम जो था वो वहीं रह गया। हालेलुया। तो इन दोनों को बिछड़ना पड़ा। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि लूत लाए। हम भी कई बार चुनने के बाद, नियुक्त होने के बाद, हम कई बार ऐसी बातें कर लेते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है। हमें परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर क्यों नहीं चाहता है? जैसे लूत को लाने से क्या हुआ, उसका ध्यान भटक गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाह रहा था कि उर देश से लाकर उसको रेगिस्तान में, जंगल में लाकर वो उसको बात करे, उसको बनाए, उसको दृढ़ करे। इब्राहिम को बनाने में बहुत समय लग गया, 25 साल इधर लग गए कि इसीलिए वो 25 साल के बाद उसने इसहाक को दिया, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर की वचन को नहीं समझ रहा था। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति 12 में ही जब अकाल पड़ा तो इब्राहिम मिस्र को चला गया, ये भी परमेश्वर की योजना नहीं थी। मिस्र में जाकर उसने क्या कहा, झूठ बोला कि सारा मेरी बहन है। और उसके बाद एक सबसे बड़ी गलती उसने क्या की कि मिस्र से वो हाजिरा को लेकर आया, हाजिरा को लेकर आया और उस रीति रिवाज को लेकर आया जो परमेश्वर का नहीं था। कौन सा रीति रिवाज? कि नौकरानी से संबंध बनाने से आप औलाद पैदा कर सकते हैं। इसलिए सारे ने इब्राहिम को मतलब हाजिरा के पास भेजा कि तुम नौकरानी से बच्चा पैदा कर सकते हो। ये उनकी रीति रिवाज नहीं थी, ये परमेश्वर का नहीं था, ये मिस्रियों का था। इसलिए वो इधर उधर देख रहा था। जब लूत को बचाकर परमेश्वर जब लूत को बचाकर इब्राहिम लेकर आया, जब 5 राजाओं ने लूत पर आक्रमण करा और इब्राहिम को पता लगा, तो इब्राहिम अपने तकरीबन 365 लोगों को ले जाकर उसने उन लोगों को जीता। लेकिन साथ में कौन था? परमेश्वर। उत्पत्ति 15 का अगर बिगिनिंग आप पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर ने कहा है कि इब्राहिम मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तुझे बचा कर लाया हूँ। और वाचा बांधी उसने, चौथी बार इब्राहिम से वाचा बांधी कि तू मेरे साथ रहे। उसने आकाश के तारों को दिखाया, रेत की धूल को दिखाया कि तेरा वंश इतना बड़ा होगा, तू मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? इब्राहिम विश्वास करता था, फिर चला जाता, फिर उसका विश्वास कमजोर हो जाता था। क्यों? क्योंकि वह इधर उधर ताक रहा था। उसे परमेश्वर ने नियुक्त तो किया था लेकिन वो इधर उधर ताक रहा था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा जिसको मैंने चुना है वो इधर उधर ताके, वो पूरी तरीके से संपूर्णता के साथ परमेश्वर की राह देखे, परमेश्वर के चरणों में रहे, परमेश्वर का आशीष पाए, परमेश्वर की बुद्धि को समझे। हमें अपने जीवन को इस तरीके से बिताना है, तभी परमेश्वर हमारे द्वारा काम कर सकता है, तभी परमेश्वर हमारे द्वारा अपने आप को प्रकट कर सकता है। हालेलुया। लेकिन इब्राहिम नहीं कर पा रहा था। और अध्याय 15 में, उत्पत्ति 15 में परमेश्वर ने इब्राहिम के संग वाचा बांधी, और उत्पत्ति 16 में फिर उसने उस वाचा की कीमत को नहीं समझा, तोड़ दी और वो सारा के कहने पर हाजिरा के साथ चला गया। अगर आप देखेंगे अध्याय 16 का अंतिम तो वहां पाएंगे कि जब इश्माइल पैदा हुआ तो इब्राहिम 86 वर्ष का था। और अगर आप देखेंगे 17वां अध्याय, 17वें का पहला देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो जब 99 साल का था तब परमेश्वर ने उससे बात की। यानी कि परमेश्वर ने जब इश्माइल पैदा हुआ तो 13 साल तक इब्राहिम से बात नहीं की। क्यों बात नहीं की? क्यों बात नहीं की? क्योंकि इब्राहिम इधर उधर देख रहा था, उसका मन डावाडोल था, वो परमेश्वर की वाचा को समझ नहीं रहा था, वो परमेश्वर की योजना को नहीं समझ रहा था। मेरे भाई, परमेश्वर जब आपको चुनता है तो उसकी योजना होती है। परमेश्वर ने जब आपको चुना है, नियुक्त किया, आपको शुद्ध किया, पवित्र किया, अपनी आत्मा दी है, तो एक योजना के तहत दी है। परमेश्वर अगर आपकी बुद्धि खोलकर अगर आप ये वचन समझ रहे हैं तो परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए उस बुद्धि का उपयोग करिए। परमेश्वर चाहता है उस समझ की बुद्धि आपको देता है ताकि आप उस वचन को समझ सके, परमेश्वर की योजना को समझ सके, उसके प्यार को समझ सके और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। इब्राहिम नहीं कर पा रहा था।
लेकिन अध्याय 17 में परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरा परमेश्वर हूं। तीसरा, हमारी जो तीसरी बात है यह है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। पहली बात क्या थी, मत डर मैं तेरे संग हूं। दूसरी बात क्या थी कि इधर उधर मत ताक। तीसरा क्या है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया, इस बात को अंगीकार करना है, इस बात को हमेशा हमारे अंदर इसको बसाना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा ईरे मेरे साथ है। हालेलुया, वो है मेरे साथ जिसने मुझे जीवन दिया, सुख दिया, आशीष दिया और मेरे मेरे जीवन को उसने एक नया रूप दिया है, वो संवारता है आपको। लेकिन कब, जब आप अंगीकार करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, इसलिए वो 17 का पहला कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति 17 का पहला, अगर आप पढ़ेंगे बड़ा अच्छा उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर ने किस तरीके से समझाया है उसको कि तू नहीं समझ रहा है, मैं तुझे जो वाचा बांधना चाहता हूँ, मैं जो तेरे द्वारा अपने तेरे द्वारा जो अपनी योजना को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन तू उसको समझ नहीं रहा है। तो 17 का पहला क्या है, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने अब्राम पर प्रकट होकर उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। यानी कि परमेश्वर क्या चाहता है, आपको सिद्ध करना चाहता है। परमेश्वर क्या चाह रहा था, इब्राहिम को सिद्ध करना चाहता था। यूं ही आदमी बनाना नहीं चाहता था, यूं ही उसने नियुक्त नहीं किया, यूं ही उसने उर्देश से उसको लेकर नहीं आया है। परमेश्वर ने यूं ही हमें नहीं चुना है, यूं ही उसने हमें शुद्ध नहीं किया है, यूं ही उसने हमारी आत्मा को जिंदा नहीं किया है, यूं ही उसने हमें नया मन नहीं दिया है, यूं ही अपनी आत्मा की अगुवाई में वो नहीं चलाना चाहता है, वो हमें सिद्ध करना चाहता है। यही तो वो चाहता है कि नियुक्त करने के बाद मेरा बच्चा जिसको मैंने चुना है वो सिद्ध हो जाए। इसलिए वो कहता है, मत डर मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इस बात को कभी मत भूल। हम कब ताकते हैं इधर उधर, जब हम भूल जाते हैं कि मेरा परमेश्वर यहोवा जिंदा है, मैं तेरा परमेश्वर हूं। कौन है, यहोवा मेरा परमेश्वर है। मेरे सवाल, वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल। लॉर्ड, हमें हर पल हर क्षण परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। हम परमेश्वर की वाचा के अनुसार चलें, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। हमें परमेश्वर की इच्छा, उसकी वाचा, उसकी योजना को समझना होगा और उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी कि परमेश्वर हमें बता कि मेरे जीवन में तेरी क्या योजना है, कौन सी बात तुझे प्रसन्न करती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तू प्रसन्न हो, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तू मेरे द्वारा दुनिया के सामने प्रकट हो। क्योंकि अंतिम समय है मेरे भाई, जरूरी है कि परमेश्वर हमारे द्वारा प्रकट हो, परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी योजना पूरी करे। लेकिन वो कब पूरी करेगा, जब हम इधर उधर नहीं ताकेंगे। और वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब हम अंगीकार करेंगे, जब हम परमेश्वर से कहेंगे, जब हम अपने आप से कहेंगे, हम बताएंगे अपने आप को, यस अनिल कोचर मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर सिंहासन पर है, मेरा परमेश्वर वो है जिसने मुझे संभाला है, जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने मुझे ज्योति दी है, जिसने मुझे सत्य के बारे में बताया है और जिसने मुझे एक नई सृष्टि में ढाल दिया है और अपने पुत्र के समान मेरा परमेश्वर ने अभिषेक किया है। जिस दिन हम इस बात को जानेंगे, जिस दिन हम इस अंगीकार को अपने अंदर बैठा लेंगे, बसा लेंगे और उस अंगीकार के मुताबिक चलेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। चौथा क्या है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा। जैसे उसने इब्राहिम से क्या कहा, तू मेरी उपस्थिति में चल तभी स्थिर होगा। अब वो चौथा पॉइंट क्या कहता है कि मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी तक दृढ़ नहीं है। वो ये नहीं कहता है, वो चौथा पॉइंट ये नहीं है कि मैंने तुझे दृढ़ किया है। नो, वो कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। लेकिन कब करूंगा, जब हम भयभीत नहीं होंगे, जब हम ये महसूस करेंगे कि वो हमारे साथ है, जब हम इधर उधर नहीं ताकेंगे, जब हम उस पिता परमेश्वर को सिंहासन पर महसूस करेंगे और जब हम अंगीकार करेंगे, यस मेरा पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान हमेशा मेरे साथ है, तब वो आपको दृढ़ करेगा, तब आपको मजबूत करेगा, तब वो आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, तब वो आपके जीवन में काम करेगा, तब आप उसकी बुद्धि को समझ पाएंगे, तब आप उसकी योजनाओं को समझ पाएंगे। वो आपको दृढ़ करना चाहता है, वो कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया, उसके लिए उसके आप उसको वो चाहिए कि वो आप उसको समझे। मूसा के बारे में अगर आप जानते हैं, मूसा के बारे में अगर आपने पढ़ा है, आपने सुना है, तो आप देखिए मूसा को परमेश्वर ने चुना। बाइबल कहती है निर्गमन की पुस्तक में कि मूसा को परमेश्वर ने चुना और योकेबेद और अरमाम जो कि लेवी वंश थे, लेवी थे, उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ मूसा। और मूसा जब 3 महीने का था, 3 महीने तक ही उसकी माँ योकेबेद उसको संभाल सके, क्योंकि उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया और उस समय ये
ये निकल चुका था, एक ऐलान हो चुका था फिरौन के जरिए कि जितने भी इब्रानियों के बच्चे हैं, लड़के हैं, जो पैदा होते हैं उनको मार दिया जाए और जो लड़कियां हैं उनको बचा लिया जाए। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ था, वो डरा हुआ था। उस समय जो मिस्र का राजा था अश्रूर जाति का था, अश्रूरी थे वो लोग, अश्रूरियों ने मिस्र को जीत लिया था। और मैंने कहा एक जो राजा था उसने उसने वो यूसुफ को नहीं जानता था, इसलिए उसने ऐलान किया कि जो इब्रानी हैं संख्या में बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए इनका जो लड़का हो उसे मार दिया जाए और जो बच्ची हो लड़की हो उसको छोड़ दिया जाए। उसकी एक वजह और भी थी। हालेलुया, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि इब्रानियों का वंश वो खत्म कराता था। यहाँ शैतान की चाल थी, शैतान नहीं चाहता था कि इब्रानियों का वंश हो, क्योंकि उत्पत्ति 3:15 में जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि इस औरत से जो बीज उत्पन्न होगा वही शैतान को भेजेगा। हालेलुया, वो शैतान को कुचलेगा। तो शैतान नहीं चाहता था, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने उसने मूसा को मारने की कोशिश की ताकि मूसा से जो वंश है वो आगे ना बढ़ सके, इसराइल में जो वंश है वो बंद हो जाए। तो ये शैतान की योजना थी, लेकिन वो शैतान की योजना कामयाब नहीं हुई और परमेश्वर ने उसे बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो शुआ और पुआ जो दो दाइयाँ थी, इब्रानी दाइयाँ, उनको परमेश्वर ने भय डाला, उनके पर मन में परमेश्वर ने बैठा था। अगर याद होगा कि यहाँ पर दो दाइयों को, इब्रानी दाइयों को, जो राजा ने हुक्म दिया था कि जब भी तुम इब्रानियों के लड़का पैदा होते हुए देखो तो उसे मार दो, आपको याद है? लूका दो में जब ज्योतिषी आए थे और ज्योतिषियों ने कहा था कि हमने हमने यहूदियों के राजा को देखा है, यहूदियों के राजा का तारा देखा है, यहूदियों का राजा उत्पन्न हो गया है। और तब वहां पर हेरोदस ने ऐलान किया कि जो 2-2.5 साल से ऊपर के बच्चे उनको मार दिया जाए, याद है आपको? और उस समय भी परमेश्वर ने उन बच्चों को बचाया था, यीशु को बचाया था, और जो जोशी थे उनके मन में भय डाल दिया था कि तुम लोग राजा से मत मिलना और तुम लोग पूरब की दिशा में चले जाओ। यही भय परमेश्वर ने इब्रानी दाइयों में डाल दिया और उनसे कहा कि नहीं। और इब्रानी दाइयों ने राजा से कहा कि नहीं, हमने कोई ऐसा बालक नहीं देखा है, क्योंकि जो इब्रानी औरतें हैं वो मजबूत होती हैं और वो पत्थर पर तब आती है जब बच्चा पैदा हो चुका होता है। तो किस तरीके से देखिए मूसा चुना गया। जब मूसा बड़ा हुआ, आप सब जानते हैं, फिरौन की बेटी ने उसको गोद लिया। 40 साल तक जो मूसा था वो मिस्र में था, उसके राजमहल थे, आपका फिरौन के राजमहल में था, सूर्य मंदिर में वो पढ़ता था, सारी जो उसने युद्ध कौशल की सारी चीजें उसने सीख ली थी। लेकिन जैसे उसने एक इब्रानी को बचाया और मिस्रियों को मारा तो ये बात खुल गई और वो डर गया कि कहीं ये बात फिरौन को पता ना चल जाए। और फिरौन को पता चली और फिरौन उसको मारने के लिए तलाश करने लगा और वो मैदान शहर में भाग गया। 40 साल तक वो मैदान शहर में रहा मूसा। वो हकलाता था, उसको बोलने में भद्दा था। रेसलॉट इत्रो की जो बेटी सिपोरा थी उससे उसने शादी की और उसके 2 बच्चे हुए, गिरशोम और एलियेसर। गिरशोम का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ परदेसी हूँ। वो इतना डरा हुआ था। 40 साल तक मैदान शहर में परमेश्वर मूसा को क्यों रख रहा था? क्योंकि वो उस योग्य उसको बनाना चाह रहा था, क्योंकि उसके द्वारा वो इसराइल को छुड़वा सके। हालेलुया। लेकिन अगर आपको याद होगा अध्याय 2, 3, 4 अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन में, तो आप देखेंगे कि जलती हुई झाड़ी में जब मोरे पर्वत पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, जलती हुई झाड़ी के समान, हालेलुया, उसे जब दर्शन दिया वो आश्चर्यचकित हो गया कि झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। हालेलुया, क्योंकि वो प्रतीकात्मक थी। और वो क्या था? वो बता रहा था कि जिस तरीके से इसराइली जो हो रहे हैं वो कष्ट तो सह रहे हैं, सताप से सह रहे हैं लेकिन मर नहीं रहे हैं, झुलस रहे हैं लेकिन मर नहीं रहे हैं। वो चित्रण था इसराइल का। हालेलुया। और जब मूसा ने देखा और मूसा जब मोरे पर्वत पर गया, परमेश्वर ने कहा ज्योति उतार और पवित्र हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर आप अगर आप देखेंगे तो मूसा ने कई सवाल किए। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे भेजना चाहता हूँ और तेरे द्वारा मिस्र से इसराइलियों को लेकर आना चाहता हूँ, तो उसने कहा मैं कैसे जान सकता हूँ, तू कौन है? अगर वो पूछेंगे तू कौन है तो मैं क्या जवाब दूंगा? उसने कहा मेरा नाम मैं हूं, सो जो हूं, उनको बताना और उनसे बोलना इसराइलियों को कि मैं उनके पितरों का परमेश्वर हूं, यानी कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और भी कई सवाल किए। उसने कहा कि मैं जाऊंगा तो मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं नहीं जा सकता हूं। हालेलुया, कई बातें उसने बोली। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए परमेश्वर उसको बनाना चाहता था, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था और परमेश्वर का काम क्या था? परमेश्वर चाहता था कि उसे दृढ़ करे, दृढ़ करे।
और आप देखते हैं कि अध्याय 4-5 में जब वो जाने की जाता है, मिस्र में जाता है सिपोरा के साथ, अपने बच्चे के साथ, और जहां पर हारून मिलता है, हारून के साथ जब वो इसराइलियों के पास जाता है, अगर आप देखेंगे अध्याय 6-7-8-9 देखेंगे तो किस तरीके से वो फिरौन के पास जाकर है और फिरौन के पास परमेश्वर का संदेश लेके जाता है कि परमेश्वर कहता है कि मेरी जनता को, मेरी प्रजा को, मेरे चुने हुए बच्चों को जाने दे जंगल में, ताकि 3 दिन के रास्ते पर जाकर वो उपासना करें, वो उत्सव बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और फिरौन मना करता है क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया था। लेकिन मैं आपकी आपका ध्यान इस बात पर लाना चाहता हूं, जब दो विपत्तियां आई अंत में कि जब ओले पड़ने लगे, जब उसने फिरौन ने, जब मूसा ने जाकर फिरौन से कहा, आप देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे उसको दृढ़ कर रहा था, कैसे परमेश्वर को दृढ़ कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर को मूसा ने अपना समर्पण दे दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड, बता दिया था, हालेलुया, वो बता दिया था और वो जानता था कि परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है, और वो उसके कहने पर फिरौन के पास जाता था। लेकिन किस तरीके से वो मूसा को दृढ़ कर रहा था परमेश्वर, जब ओलों की विपत्ति आई, और जब ओलों की विपत्ति आई तो जो फिरौन था डर गया और उसने मूसा और हारून को बुलाया और उनसे क्या कहा, उनसे कहा कि अबे भाई जाओ, अब मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, तुम जा सकते हो उपासना करने के लिए, लेकिन तुम्हारे बच्चे नहीं जाएंगे, तुम्हारे बच्चे नहीं जाएंगे। तब मूसा ने क्या कहा, नहीं बच्चे जाएंगे, अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो हमारी उपासना नहीं होगी, हम जाएंगे तो सब जाएंगे। आपने देखा, उसने परमेश्वर से नहीं पूछा कि क्या, अच्छा मैं परमेश्वर से पूछ के बताता हूँ। हालेलुया, वो इतना दृढ़ हो गया था, वो इतना मजबूत हो गया था, वो इतना परमेश्वर को समझने लगा था कि फिरौन से उसने कहा नहीं कि मैं परमेश्वर से पूछ के आपका बताऊंगा कि बच्चे छोड़ के जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसने कहा नहीं, वो परमेश्वर की योजना को जानता था। परमेश्वर आपको इतना दृढ़ करना चाहता है। एक वाक्य और, जब इसके बाद पूरे मिस्र में अंधकार हो गया और गेशोन और रामसेस में अंधकार नहीं हुआ, तब फिरौन ने दोबारा बचाया कि ठीक है भैया बच्चों को भी लेके जा, लेकिन अपने पशु पक्षियों को यहां छोड़ जा। तब भी मूसा ने आंसर दिया कि नहीं, पशु पक्षी भी हमारे साथ जाएंगे क्योंकि हमें मेल मिली और हमें बलि चढ़ानी है परमेश्वर के लिए, इसलिए हमें क्या करना पड़े, कौन सी बलि चढ़ानी पड़े, हमें किस सामान की जरूरत पड़े, हमें सब हर चीज को लेकर जाना है। आपने देखा उसकी दृढ़ता, मूसा की दृढ़ता, कितना वो दृढ़ हो गया था। क्यों दृढ़ हो गया था, क्योंकि परमेश्वर उसे दृढ़ कर रहा था। वही मूसा जो मोरे पर्वत पर पूछता है कि मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्या दूंगा, वो मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तू कौन है, मैं कौन हूं, मैं कैसे बचा सकता हूं, मैं कैसे जाऊंगा फिरौन के पास, वो मेरी बात कैसे सुनेगा, कितने सवाल उसने परमेश्वर के सामने किए। लेकिन आज जब उसने परमेश्वर को अपने आप को दे दिया, जब उसने परमेश्वर को अपने बता दिया कि मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, जब उसने अपने आप को शून्य बनाकर परमेश्वर के सामने समर्पित किया, तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में आया, तब परमेश्वर का सामर्थ्य उसके जीवन में आया। यही परमेश्वर चाहता है, यही परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दें, पूरी तरीके से दीन कर दें, पूरी तरीके से परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर, हमें अपने योग्य बना, हमें अपने योग्य सर, पूरी तरीके से जो तूने रचना की है, जो हमें रचा है पूरी तरीके से, ताकि हम तेरी बुद्धि को समझ सकें, तेरी योजनाओं को समझ सकें, तेरी वाचाओं को समझ सकें, जैसे मूसा समझ रहा था। इसलिए उसने इमीडिएट फिरौन को आंसर दिया कि नहीं, बच्चे भी जाएंगे और पशु पक्षी भी जाएंगे, हम लोग सब जाएंगे, तभी यहां से होगा, तभी तेरा पीछा छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आप अगर बाद में देखते हैं, अगर देखेंगे तो सिने पर्वत पर एक वक्त ऐसा आया कि सिने पर्वत पर मूसा 40 दिन 40 रात भूखा प्यासा परमेश्वर के सामने रहा, उसकी उपासना करने लगा। इतना दृढ़ और इतना मजबूत कर दिया था परमेश्वर ने उसको, हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है, ये चौथा पॉइंट है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा। पांचवा क्या है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और तुझे सहारा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। जब जब मूसा को प्रॉब्लम्स हुई, जब जब इसराइलियों ने मूसा के सामने कुड़कुड़ाया, तब तब मूसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने उसकी सहायता की। प्रेज़ द लॉर्ड, इस जीवन में परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें बताया है कि हम उस अधिकारों का उपयोग करें जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम वो जीवन जिए जो अलौकिक है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम वो बातें समझें, हम परमेश्वर की योजना को समझें और परमेश्वर के योग्य बन जाएं। इसलिए उसके लिए हमें पूरी तरीके से समर्पण में होना पड़ेगा और उसी की सहायता के इंतजार करनी पड़ेगी कि परमेश्वर, मूसा कहीं और नहीं गया। मूसा जब भी इसराइली कुड़कुड़ाए तो पुरनियों के पास नहीं गया, इसराइल के पुरनियों के पास नहीं गया कि भाई इनको समझाओ जो तुम्हारे लोग हैं, ये लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं, ये लोग पानी मार रहे हैं, मैं कहां से पानी ला के दूं अभी। वो कहां गया, परमेश्वर के पास गया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो जानता है सहायता कहां से आएगी,
परमेश्वर के पास आएगी। हालेलुया। भजन संहिता 121 का पहला क्या कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मेरी सहायता वहीं से आएगी। जिस दिन हमारा विश्वास होगा, परमेश्वर कहता है विश्वास कर मेरे बच्चे, तेरी सहायता कर लें के लिए मैं हमेशा जीवित हूँ, हमेशा तैयार हूँ, मैं तुझे बताने के लिए, मैं तुझे बचाने के लिए, मैं तुझे जीवन देने के लिए। अरे जब वो अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर सकता है, बाइबल कहती है रोमियो 8:32 अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसको जानेंगे कि अगर वो जब अपने बच्चे का, अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे सकता है, 32 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो 8:32 वो जिसने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, तो वो उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? वो देना चाहता है, वो आपकी सहायता करना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है, वो आपको गाइड करना चाहता है, प्रिंस ऑफ गॉड, वो आपको इस संसार में चलने के लिए बुद्धि देना चाहता है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। हम चाहते कि हम समझते कि हमारा बुद्धि बहुत है। मूसा ने ऐसे नहीं किया। जैसे ही मूसा ने समझा कि नहीं, परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, परमेश्वर ही मेरा निगहबान है, जैसे ही मूसा ने समझा उसने कहा नहीं, हर बात वो मूसा परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर से समझता था, परमेश्वर से के सामने जाता था कि मैं क्या करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद भी परमेश्वर से पूछता था कि मैं क्या करूं, मैं किल जाऊं, मैं फिलिस्तीनियों से युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं। हर बार जिसको परमेश्वर ने चुना है, इसलिए हमको भी चुना है। हम हर बात करने से पहले परमेश्वर से पूछें, घर निकलने से पहले परमेश्वर से पूछें, कोई काम करने से पहले परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर बता तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो छठा वचन के साथ, छठा जो बात है वो क्या है कि वो हमें सहायता करेगा और वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। कैसी सुरक्षा प्रदान करेगा? आप जानते हैं परमेश्वर जिसको चुनता है, परमेश्वर जिससे प्यार करता है, कैसी सुरक्षा देता है आपको पता है? मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। हालेलुया। यशाया का 10 अगर आप निकाल सकते, बाइबल आपके पास है तो आप निकालिए। उसमें लिखा हुआ है, वे ना तो भूखे होंगे ना प्यासे, ना उन्हें झुलसाने वाली धूप या लू से कुछ हानि होगी, क्योंकि जिसने उन पर तरस खाया है वही उनकी अगुवाई करेगा और वो उन्हें जल के स्रोतों के पास लेके जाएगा। जहां पर सुख मिलता है, जहां जल होता है, जहां शांति है, वहां लेकर जाएगा। आप नहीं जानते परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। वो आपको भूखे नहीं रहने देगा, वो आपको प्यासा नहीं रहने देगा, झुलसाने वाली धूप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि वो आपका पिता है, वो आपका चरवाहा है, वो आपका बचाने वाला है, उसने आपको छुड़ाया है, उसने आपको जीवन दिया है, उसने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है और वो आपको लेकर लेने आने वाला है। विश्वास करें। इसलिए इन 6 बातों का हम ध्यान दें, तब हम नियुक्ति, अपनी नियुक्ति को सार्थक बना सकते हैं। परमेश्वर ने हमें जो चुना है, ये 6 बातें, अगर हम इन 6 बातों के द्वारा अपने जीवन को चलाएंगे तो हम रोज दृढ़ होते जाएंगे, हम रोज मजबूत होते जाएंगे और परमेश्वर का आशीष हमें मिल जाएगा। 6 बातें कौन सी हैं? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। दूसरी बात क्या है? इधर उधर मत ताक। तीसरी, मैं तेरा परमेश्वर हूं। चौथा क्या है? मैं तुझे दृढ़ करूंगा। पांचवा, मैं तेरी सहायता करूंगा। और छठा, मैं तुझे सहारा दूंगा। परमेश्वर हमें सहारा देने के लिए तैयार है मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए विश्वास करिए कि आप नियुक्त किए गए हैं। इसलिए 6 बातों के साथ अपने जीवन को गुजारिए, अपने जीवन को गुजारना शुरू करिए। इधर उधर मत ताकिए, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखिए, क्योंकि वो आपका चरवा है और उसे उसे चिंता है आपकी, इसको आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आज हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज का वचन आपने मुझे दिया, मैं विश्वास करता हूँ पूरी तरीके से मेरे भाई बचन ध्यान जब दूध के आपका आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत प्यार करे। मुझे और मेरी मिनिस्ट्री को भी प्रार्थना में रखिए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू।